गांव जो कि देवसर कुलगाम में वाका है, वहां पे जो है वो एक एनकाउंटर जो है वो हुआ, जिसमें जो है दो दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए। मैं ये बताता चलूं कि ये एनकाउंटर जो है वो, इसमें जो है वो एक स्पेसिफिक जो है वो खबर जो थी उस पे जो है वो काम करते हुए जो है वो आर्मी पुलिस और सीआरपीएफ के जो है वो जवानों ने इस गांव जो पर्टिकुलर जो है वो घर का और जो पर्टिकुलर मोहल्ला मोहल्ला है उसका मुहासरा किया। और उसके बाद जो है वो जब सर्च जो है वो जारी थी, तो सर्च के दौरान जो है वो जो वहां पे छुपे हुए जो है वो टेररिस्ट थे, उन्होंने जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो है वो फायरिंग की और उसके बाद जो है वो एनकाउंटर स्टार्ट हुआ। इस एनकाउंटर के दौरान जो है वो दो दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए, जिनके जो है वो कब्जे से काफी असलाह और गोला बारूद जो है वो बरामद हुआ। देखिए मैं बताता चलूं कि जो हमें एनकाउंटर साइट से सर्च के दौरान जो है वो हमें दो डेड बॉडीज मिली। डेड बॉडीज जो है वो की पहचान करना बड़ा मुश्किल है, उसका जो है वो इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसमें हमने डीएनए जो है वो सैंपल्स लिए हुए हैं। लेकिन जिस तरह से मैं आपको पहले बताया कि हमें एक जो है वो खास जो है वो स्पेसिफिक इनपुट था, उस इनपुट के मुताबिक जो है दो जो दहशतगर्द थे, जो हमारी खबर के मुताबिक जो है वो एक उनमें से उमेश अहमद वानी है, जो कि चवलगाम कुलगाम का रहने वाला है। ये उमेश अहमद वानी जो है वो टीआरएफ तंजीम से ताल्लुक रखता था और ये 2020 से जो है वो उसने जो है वो टेररिस्ट रैंक्स जो है वो ज्वाइन की। उमेश अहमद वानी का जहां तक ताल्लुक है, ये पलवामा, शुपियां, कुलगाम और अनंतनाग जिले में जो है वो सरगर्म था और इसके खिलाफ कई एफआईआर जो है वो दर्ज थे और कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में ये मुलविस था। दूसरा जो जो खबर जो थी हमें वो जित थी आकिब नजीर गोजरी की। ये आकिब नजीर गोजरी जो है बेसिकली चाडोरा कुलगाम का रहने वाला है और उसके बाद लेकिन ये पला बड़ा जो है वो अपने मामा के घर जो है वो ये पलवामा में जो है वो वहाँ उसकी पढ़ाई और वहाँ की उसकी परवरिश हुई। ये आकिब शेर गुजरी जो है 2022 से जो है वो अगस्त 2022 से जो है वो दहशतगर्द तंजीम के साथ वाबस्ता रहा और ये भी कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में जो है वो शामिल था और इसके खिलाफ जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में, डिस्ट्रिक्ट पलवामा में कई कई एफआईआर जो है इसके खिलाफ दर्ज थे। तो ये जो है ये टीआरएफ तंजीम से ये भी वाबस्ता था और ये पलवामा, शुपियान, बडगाम, अनंतनाग जिले में जो है वो पिछले 2 ढाई सालों से सरगर्म था। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को इनकी जो है वो काफी जो है वो ये रिक्वायर्ड थे बहुत सारे एफआईआर में। तो जिस तरह से मैंने बताया कि स्पेसिफिक इनपुट के पे काम करते हुए ये आज एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर के दौरान जो है ये दोनों जो हमें लगता है कि ये दोनों जो है वो जिनकी डेड बॉडीज हमें मिली, ये दोनों जो दहशतगर्द तो पुलिस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, पुलिस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है ये कई सालों से जो है वो यहाँ दहशतगर्द तंजीम से जो है वो वाबस्ता थे और कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे और इसके अलावा जो है ये यहाँ साउथ कश्मीर के यूथ्स में काफी जो है वो मोटिवेट करने में जो है वो इनका रोल था कि उनको जो है अपनी तंजीमों में शामिल करने के लिए जो है उसमें भी इनका जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा था। सर रिकवरी जिस क्या क्या है तरीके, इसमें, रिकवरी क्या क्या हुई है। देखिए अभी तक जो हमें जो है हमारी रिसर्च थोड़ी वहां पे जारी है, अभी तक जो हमें रिकवरी मिली है उसमें दो AK-47 राइफल्स, 5 मैगजीन्स, पिस्टल और कुछ और जो है वो असलाह जो है गोला बारूद वहां से जो है वो बरामद हुआ।